आदरणीय सभापति जी, हम सब के लिए आज का ये दिवस यादगार भी है, ऐतिहासिक भी है। इससे पहले मुझे लोकसभा में भी अपनी भावना को व्यक्त करने का अवसर मिला था, अब राज्यसभा में भी आज आपने मुझे अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान में राज्यसभा की परिकल्पना उच्च सदन के रूप में की गई है। संविधान निर्माताओं का ये आशय रहा है कि ये सदन राजनीति की आपाधापी से ऊपर उठ करके गंभीर बौद्धिक विचार विमर्श का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्थ्य यहीं से निकले, ये स्वाभाविक देश की अपेक्षा भी रहे। और लोकतंत्र की समृद्धि में ये योगदान ही उस समृद्धि को में अधिक मूल्य वृद्धि कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अनेक महापुरुष रहे हैं, मैं सबका उल्लेख तो न कर पाऊं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी हो, गोविंद वल्लभ पंत साहब हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, प्रणब मुखर्जी साहब हो, अरुण जेटली जी हो, ऐसे अनगिनत विद्वान श्रेष्ठीजन और सार्वजनिक जीवन में वर्षों तक तपस्या किए हुए लोग इस सदन को सुशोभित किया है, देश का मार्गदर्शन किया है। ऐसे कितने ही सदस्य जिन्होंने एक प्रकार से व्यक्ति स्वयं में एक संस्था के रहे, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के रूप में अपना सामर्थ्य देश को उसका लाभ देने वाले लोग भी हमें रहे। संसदीय इतिहास के शुरुआती दिनों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने राज्यसभा के महत्व पर कहा था कि पार्लियामेंट इज नॉट ओनली ए लेजिस्लेटिव बट ए डेलिबरेटिव बॉडी। राज्यसभा से देश के जनता की अनेक ऊंची अपेक्षाएं हैं, सर्वोत्तम अपेक्षाएं हैं, और इसलिए मान्य सदस्यों के बीच गंभीर विषयों की चर्चा और उसे सुनना ये भी एक बहुत बड़ा सुखद अवसर होता है। नया संसद भवन एक सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, जब किसी भी नई चीज के साथ हमारा जुड़ाव आता है तो मन पहला करता है कि अब एक नए वातावरण का मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा, उसका सर्वाधिक सकारात्मक वातावरण में मैं काम करूंगा, एक सहज स्वभाव होता है। और अमृत काल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सबका प्रवेश होना, ये अपने आप में हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की जो आशा आकांक्षा है उसमें एक नई ऊर्जा भरने वाला बनेगा, नई आशा और नया विश्वास पैदा करने वाला। आदरणीय सभापति जी, हमें तय समय सीमा में लक्ष्यों को हासिल करना है।
क्योंकि देश, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। एक कालखंड था जब सामान्य मन को लगता था कि भी ठीक है, हमारे माँ बाप भी ऐसे गुजारा किया, हम भी कर लेंगे, हमारे नसीब में ये था, हम जी लेंगे। आज समाज जीवन की और खास करके नई पीढ़ी की सोच वो नहीं है, और इसलिए हमें भी नई सोच के साथ, नई शैली के साथ सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारे कार्य का व्याप भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारी सीमा, सोचने की जो सीमाएं हैं, उससे भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमारी क्षमता जितनी बढ़ेगी उतना ही देश की क्षमता बढ़ाने में हमारा योगदान भी बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि इस नए भवन में, ये उच्च सदन में, हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से संसदीय शुचिता के एक प्रतीक के रूप में देश की विधानसभाओं को, देश की स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, वहां की सारी व्यवस्थाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये स्थान ऐसा है कि जिसमें ये सामर्थ्य सबसे अधिक है, और इसका लाभ देश को मिलना चाहिए, देश के जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान के रूप में चुना गया हो, चाहे वो संसद में आया हो। और ये परंपरा यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ाएं? आदरणीय सभापति जी, पिछले 9 वर्ष से आप सबके साथ से, सहयोग से देश की सेवा करने का हमें मौका मिला, कई बड़े निर्णय करने के अवसर आए, और बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसले भी हुए, और कई तो फैसले ऐसे थे जो दशकों से लटके हुए थे, उन फैसलों को भी, और ऐसी निर्णय, ऐसी बातें थी जिसको बहुत कठिन माना जाता था, मुश्किल माना जाता था, और राजनीतिक दृष्टि से तो उसको स्पर्श करना भी बहुत ही गलत माना जाता था। लेकिन सबके बावजूद भी हमने उस दिशा में कुछ हिम्मत दिखाई। राज्यसभा में हमारे पास इतनी संख्या नहीं थी, लेकिन हमें एक विश्वास था कि राज्यसभा दलगत सोच से ऊपर उठ करके देश हित में जरूर अपने फैसले लेगी। और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि उदार सोच के परिणाम हमारे पास संख्या बल कम होने के बावजूद भी आप सभी माननीय सांसदों की मैच्योरिटी के कारण, समझ के कारण, राष्ट्रहित के प्रति अपनी जिम्मेवारी के कारण, आप सबके सहयोग से हम कई ऐसे कठिन निर्णय भी कर पाए, और राज्यसभा की गरिमा को ऊपर उठाने का काम सदस्य संख्या के बल पर नहीं, समझदारी के सामर्थ्य पर आगे बढ़ा। इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? और इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सांसदों का, जो आज वह हैं, जो इसके पहले थे, उन सबका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, लोकतंत्र में कौन शासन में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कब आएगा, ये क्रम चलता रहता है, वो बहुत स्वाभाविक भी है, और वो लोकतंत्र की स्वाभाविक उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति भी है। लेकिन जब भी विषय देश के लिए सामने आए, हम सब ने मिल करके राजनीति से ऊपर उठ करके देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने का प्रयास किया है।
आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है, एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और अब हम जब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दे रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि अत्यंत सहयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहे हैं, देश आगे बढ़ा है। कोविड का संकट बहुत बड़ा था, दुनिया ने भी परेशानी झेली, हम लोगों ने भी झेली है, लेकिन हमारे फेडरलिज्म की ताकत थी कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर के जिससे जो बन पड़ता है बन कर करके देश की बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत को बल देता है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को की एक ताकत, उसने अनेक संकटों का सामना किया है, और हमने सिर्फ संकटों के समय नहीं, उत्सव के समय भी दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है। भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक दल, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 जितने शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना, और हर राज्य ने बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ विश्व को प्रभावित करें इस प्रकार से मेहमान नवाजी भी की, और जो डेलिब्रेशन हुए उसने तो दुनिया को दिशा देने का सामर्थ्य दिखाया है, और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है, और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज हम यहाँ प्रगति कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन में भी, नई हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है, क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहाँ चाहिए, लगना चाहिए कि ये भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ है, और यहाँ कई प्रकार के ऐसी कलाकृतियाँ, कई चित्र वो जो पूरे हमारी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहाँ राज्य की श्रेष्ठ चीज भेजी है, यानी एक प्रकार से यहाँ के वातावरण में भी राज्य भी हैं, राज्यों का की विविधता भी है, और फेडरलिज्म की सुगंध भी है। आदरणीय सभापति जी, टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत तेजी से प्रभावित किया है। पहले जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आते में 50-50 साल लग जाते थे, वो आजकल कुछ हफ्तों में आ जाते हैं। आधुनिकता अनिवार्यता बन गई है, और आधुनिकता को मैच करने के लिए हमने अपने आप को भी निरंतर डायनेमिक रूप से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाकर के उस आधुनिकता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, पुराने भवन में हमने, जिसको अभी आपने संविधान सदन के रूप में कहा, हमने वहाँ कभी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े आन बान शान के साथ मनाया। 75 साल का हमारी यात्रा की तरफ हमने देखा भी, और नई दिशा, नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरू किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नए संसद भवन में आज़ादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी, डेवलप इंडिया की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। पुराने भवन में हम
पांचवी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे थे। मुझे विश्वास है कि नई संसद भवन में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में स्थान प्राप्त करेंगे। पुराने संसद भवन में गरीब कल्याण के अनेक इनिशिएटिव हुए, अनेक काम हुए, नए संसद भवन में हम अब 100% सेचुरेशन, जिसका हक है उसको पूरा मिले। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन की दीवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे सामने आईपैड पर है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को अगर कल कुछ समय निकाल करके उनकी अगर परिचित करा दिया जाए टेक्नोलॉजी से, तो उनकी सुविधा रहेगी। वहाँ बैठेंगे, अपनी स्क्रीन भी देखेंगे, ये स्क्रीन भी देखेंगे, और टेक्नोलॉजी वाले अगर, तो हो सकता है कि उनको कठिनाई ना आए। क्योंकि आज मैं अभी लोकसभा में था तो कई साथियों को इन चीज़ों को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही थी, तो ये हम सबका दायित्व है कि हम उसमें सबकी मदद करें। तो कल कुछ समय निकाल करके अगर ये हो सकता है तो अच्छा होगा। आदरणीय सभापति जी, इस डिजिटल का युग है। हमने इस सदन से भी उस चीज़ों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा। शुरू में थोड़ा दिन लगता है, लेकिन अब तो बहुत सी चीज़ें यूजर फ्रेंडली होती हैं, बड़े आराम से इन चीज़ों का अडॉप्ट किया जा सकता है। हम इसको करें। मेक इन इंडिया एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रूप में हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है। और मैंने कहा, वैसे नई सोच, नया उत्साह, नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़कर के कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। अभी पार्लियामेंट लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहां पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती हैं, हमारी नारी होती है, क्योंकि उसी को सब चीजें झेलनी पड़ती है। और इसलिए हमारी प्रयास रहा है और राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। माइनिंग में बहनें काम कर सके, निर्णय हमारे ही सांसदों की मदद से हुआ। हमने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बेटियों में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। उनके लिए मन में इप्स एंड बर्ड्स का युग खत्म हो चुका है। हम जितना सामर्थ्य, हम जितनी सुविधा देंगी, उतनी सामर्थ्य हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें दिखाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, समाज ने इसे अपना बनाया है। और बेटियों का मान सम्मान की दिशा में समाज में एक भाव पैदा हुआ है। मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसका लाभ उठाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आज भारत में महिलाओं का सक्रिय योगदान नजर आ रहा है। ये अपने आप में, मैं समझता हूँ, उनके
परिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ्य को प्रकट करता है, जो सामर्थ्य अब राष्ट्र जीवन में भी प्रकट होने का वक्त आ चुका है। हमारी कोशिश रही है कि हमारे माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना, हमें मालूम है गैस सिलेंडर के लिए पहले एमपी के घर के चक्कर काटने पड़ते थे, गरीब परिवारों तक उसको पहुंचाना, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, लेकिन महिलाओं के जीवन को ध्यान में रखते हुए उस काम को किया। महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक लंबे अरसे से राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक लाभालाभ का शिकार हो चुका था, इतना बड़ा मानवीय निर्णय, लेकिन हम सभी माननीय सांसदों की मदद से उसको कर पाया। नारी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने का काम भी हम सब कर पाए हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट G20 की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा, और दुनिया के कई देश हैं जिनके लिए विमेन लेड डेवलपमेंट विषय थोड़ा सा नया सा अनुभव होता था, और जब उनकी चर्चा में सुर आते थे कुछ अलग सी सुर सुनने को मिलते थे, लेकिन G20 के डिक्लेरेशन में सबने मिलकर के वुमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को अब भारत से दुनिया की तरफ पहुंचा है, ये हम सब के लिए गर्व है। आदरणीय सभापति जी, इसी बैकग्राउंड में लंबे अरसे से विधानसभा और लोकसभा में सीधे चुनाव में बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विषय है, और ये बहुत समय से आरक्षण की चर्चा चली थी, हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया है, लेकिन और ये 1996 से इसकी शुरुआत हुई है, और अटल जी के समय तो कई बार बिल लाए गए, लेकिन नंबर कम पड़ते थे, कुछ उग्र विरोध का भी वातावरण रहता था, एक महत्वपूर्ण काम करने में काफी असुविधा होती थी, लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक अंतराव उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। मैं आज आप सब से प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएंगे तो सच अर्थ में वो शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी, और जब भी बिल हम सबके सामने आए तब मैं राज्यसभा के सभी मेरे माननीय सांसद साथियों से आज आग्रह करने आया हूं कि हम सर्वसम्मति से जब भी उसकी निर्णय करने का अवसर आए आने वाले एक दो दिन में, आप सबके सहयोग की अपेक्षा साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।